जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। एक्सिस गाड़ी से ला रहे थे लाखों की कीमत का गांजा, घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा। भारी मात्रा में टू व्हीलर गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा लाते हुए तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में कुंडम थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव ने बताया कि विगत 22 मार्च को क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की एक्सिस वाहन में तीन व्यक्ति पिट्टू बैग एवं बड़े थैले में भारी मात्रा में गांजा लेकर शहपुरा तरफ कुंडम होते हुए जबलपुर आ रहे थे। वहीं आरोपी की तलाशी ली गई तो उसने भारी मात्रा में गांजा रखा हुआ मिला, जिसका तौल करने पर कुल 10 किलो 843 ग्राम लगभग 2.25 लाख रुपए का होना पाया गया। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी कुंडम द्वारा प्रवीण नायडू, मोहित वर्मा और उसके एक अन्य साथी से लगभग 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गांजा कहां से ला रहे थे और कहां खपाने वाले थे, इसकी अग्रिम जांच पूरी विवेचना में की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें इस कड़ी में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है और कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।